मार भी पड़ी तो मार भी खा रहे मार भी खा रहे। इमरान खान के लिए जान हाजिर है, जान पूरी दुनिया की सारी जिंदगी की भी जायदाद आ जाए, सोना आ जाए, हीरे आ जाए, मैं तब भी उसको नहीं फ्रेम करवा के साइड को रखूंगा, मैं बेचूंगा। तो नादिन बड़ों के साथ साथ बच्चों की जो तादाद है वो भी किसी तादाद के साथ बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद है, हम इनसे जानते हैं वो क्या लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक, और मैं इमरान खान साहब का, हम बड़ी दूर से हैं और हम दोनों इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन हैं, बड़े रश में आए हैं जहाँ जगह भी नहीं थी, और हम स्टूडेंट हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं इमरान खान साहब के, और हमारी ख्वाहिश है ज़िंदगी के इमरान खान साहब से मिले। अब कहाँ से आए हैं? हम बड़ी पुल मुजफ्फराबाद से आए। मुजफ्फराबाद से आए हैं, क्या वजह आपकी इतनी मोहब्बत इमरान खान साहब से? बड़ी दूर से आप आए हैं, आपकी तो आपकी कम उम्र के हिसाब से भी, यानी कि जो आपको अपने घरों में रहना चाहिए, शिद्दत की गर्मी है, आपको बल्कि सुकून के साथ घरों में रहना चाहिए, आप सड़कों पर आगे इमरान खान के जैसे भी, क्या वजह? बस बचपन से हमारे माँ बाप ने, पापा ने हमें बचपन से मोहब्बत इमरान खान साहब की दिखाई है, और हमें बहुत, मुझे बड़ी बचपन से मोहब्बत, दोस्तों को भी कहता हूँ कि इमरान खान, वहाँ पे नारे लगते हैं इमरान खान साहब के, बड़े दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अगर आप महंगाई के दौर में भी इमरान खान साहब की चीज़ें महंगी लेके आते हैं तो फिर भी आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? जी, फिर भी हम इमरान खान साहब, आखिर बेशक पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए, फिर भी हम इमरान खान साहब के अगर 1000 रुपये लीटर इसी हुकूमत में जो मौजूदा हुकूमत चल रही है नवाज शरीफ लोगों की, नून लीग, अगर इसमें हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब है करेंगे, एकदम थोड़ी होता है, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की महंगाई भी सस्ती होगी, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। आप क्या लास्ट में इमरान खान साहब के बारे में कहना चाहेंगे? मैं इमरान खान साहब के करेंगे हमारी दिली मोहब्बत, और मैं हमेशा आपके लिए हमेशा दुआ करूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे और खुश रखे। आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के बारे में? मैं पहले तो इमरान खान साहब को अपना सलाम भेजता हूँ, और इमरान खान का मैं बहुत फ़ैन हूँ, और मैं मुल्तान से बड़ी दूर से इमरान खान के जलसे में आया हूँ। बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, गर्मी में थी, फिर भी हम इमरान खान के मोहब्बत के लिए हम अपने घरों से निकले हैं, हम अपने माँ बाप से बगैर बताए अपनी मोहब्बत में इमरान खान से मिलने के लिए, देखने के लिए। अगर आपके घर वालों को पता चल जाएगी आप जलसे भी आए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर हम डांट पड़ेगी और कुछ नहीं होएगा। अगर मार भी पड़ी तो मार भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। इमरान खान के लिए जान हाजिर है, जान हाजिर। अगर इमरान खान साहब अबू बकर की तरह आपकी कमीज पे यहाँ अपने सिग्नेचर कर देता है, उसकी जो कीमत है वो करोड़ों में लग जाती है, आप कितने में सेल करोगे? मेरे पास पूरी दुनिया की सारी जिंदगी की भी जायदाद आ जाए, सोना आ जाए, हीरे आ जाए, मैं तब भी उसको फ्रेम करवा के साइड को रखूंगा, मैं बेचूंगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? हम लैया से आए, तहसील करोड़। लैया से आकर क्या वजह आप इतनी दूर से इधर आए? खान साहब का इस टाइम जो विजन चल रहा है ना, उसने पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का दिल उसने जीत लिया है। खान ग्रेट इंसान है, इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई एक अच्छा मैसेज उनके लिए कोई क्या देना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह इमरान खान के लिए मैसेज तो नहीं बनता, मैसेज बनता है पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब का साथ दे, और इंशाल्लाह हम शाना बशाना इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह साथ निभाएंगे, इंशाल्लाह हमारे मुस्तकबिल का, और ईमानदार लीडर है खान साहब। तो आज मुल्तान जलसा हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन कितनी आवाम है जो मुल्तान के अंदर इंटर हो चुकी है? मैं तो बाहर से आया हूँ, अभी हमें भी अंदर जाने की जगह नहीं मिली, और मैं जो आवाम का जोश और वलवला देख रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सुनामी है, इनकलाब।